हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया 22 अगस्त को, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी जो है कैबिनेट का आयोजन किया गया, कैबिनेट जो आयोजित की गई थी गैरसैंण में, ठीक है, भराड़ी शहर गैरसैंण में, और 22 अगस्त को यहाँ पर बजट पारित किया गया है, बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। तो पहले आपके पास क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो बजट जो होता है, या चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो, तो अगर केंद्र सरकार की बात है तो लोकसभा में होगा, और राज्य सरकार की बात है तो विधानसभा में बजट पेश होगा, और ये जो पेश करता है वित्त मंत्री पेश करता है। तो हाल ही में उत्तराखंड का जो बजट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट जो है वो सदन में पेश किया गया है, जो कि 5013.05 करोड़ का ये जो है बजट ये पेश किया गया था। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, जहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और बताऊँगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनकर आते हैं। क्योंकि आपका इकोनॉमिक सेक्शन और इकोनॉमिक सेक्शन के साथ साथ आपका जो करंट अफेयर जो है वो दोनों को ये रिलेट करता है, और दोनों चीज़ें यहाँ पर ये कवर करेगा, करंट अफेयर भी कवर करेगा और इकोनॉमी भी कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुपूरक बजट 2024-25 जो था वो 5013 करोड़ का यहाँ पे पेश किया गया, जहाँ पर जो 3756.89 करोड़ जो था वो राजस्व पक्ष में है, जबकि 1256.16 करोड़ जो है वो पूंजीगत पक्ष में दिया गया है। केंद्र पोषित योजनाओं के लिए अगर मान के चले तो 1531.65 करोड़, जबकि बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए जो है वो 273.17 करोड़ का प्रावधान जो है वो अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की अगर बात करें, जो कहाँ कहाँ कितना कितना बजट किस किस को कितना पैसा मिला है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। SDRF बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में बार बार आपदाएँ आ रही है, आपदाओं का जो टॉपिक है वो भी जैसे कि आपके देखने को मिल रहा है, अभी बरसात का मौसम है तो आपदा का जो सिलसिला जो हर जगह से खबरें सुनने को मिलती है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि आपदा प्रबंधन के लिए हाल ही में पारित किए गए बजट में कुल कितनी धनराशि रखी गई है। तो SDRF हेतु, यानी कि जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो SDRF जो है, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है, उसको जो दिया गया है वो 718.40 करोड़ दिया गया है। समग्र शिक्षा के लिए 697 करोड़, SDMF के अंतर्गत जो आती है उसके लिए 229.6 करोड़ दिया गया है। सूचना विभाग के लिए 225 करोड़ दिया गया है। तो यहाँ से आपके पास शहरी विकास हो गया, जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, तो ये आपके क्या है सिलेबस के भी यहाँ पे क्या आपके पास क्या है टॉपिक है, क्योंकि आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है। शहरी विकास जो है, यानी कि पंचायती राज, शहरी विकास निगम या पंचायती राज जो है वो आपके पास है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि सिलेबस से है और हो सकता है वो रिलेट करके दे दे करंट अफेयर से। ठीक है, तो शहरी विकास के अंतर्गत जो है नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 192 करोड़ यहाँ पे धनराशि जो है वो दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो अगला आपके पास है पेयजल में सीवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के लिए जो दिया गया है, केरिल फेसिंग जो दिया गया है वो 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि गैर सरकारी महाविद्यालय का अनुदान जो है वो 100.03 करोड़ है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड पेंशनर्स के लिए जो योजना दी गई है 100 करोड़ की दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास बन जाता है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत EWS, अब देखिए EWS पूछ रहा है या नगरी अवस्थापना के लिए पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। 96.76 करोड़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो योजना भी जो चल रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। 130 करोड़ अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए के अंतर्गत जो है वो 71 करोड़ का बजट यहाँ पर दिया गया है। मातृत्व तो लाभ योजना जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत जो है वो आपको 70 करोड़ यहाँ पर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के अंतर्गत जो है 69 करोड़ का जो धनराशि जो है वो दी गई है। UGVNL जो है, यानी कि जल संस्थान जो है, उसमें ऋण के लिए अंतर्गत जो 61 करोड़, UPCL जो आपके विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए 61 करोड़, जबकि उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि यानी कि UIIDF के अंतर्गत 52 करोड़ के यहाँ पे धनराशि जो है वो दी गई है। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 50 करोड़, देखो एक अटल आयुष्मान उत्तराखंड यानी कि पेंशनर्स के लिए है, जहाँ पे 100 करोड़ की धनराशि रखी गई है और यहाँ पे दी गई है 50 करोड़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रदेशों के मार्गों पुलियों और अनुरक्षण कार्य के लिए 50 करोड़, PMGSY से बनी सड़कों का अनुरक्षण के लिए 50 करोड़,
नाबार्ड पोषित पुलियो का आरक्षण के लिए 50 करोड़, टिहरी झील के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है 50 करोड़, स्थानीय निकाय पंचायती राज आपके सिलेबस का ये टॉपिक है, सिलेबस में आपके पास ये है और उसी से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन डाल सकते हैं करंट अफेयर को जोड़ के। 46 करोड़ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 40.95 करोड़, नाबार्ड पोषित लघु योजना के अंतर्गत 40 करोड़, विभिन्न विभागों के अंतर्गत पीएम जनमन योजना जो है उसके लिए 44.11 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के लिए 35.83 करोड़, एनईपी के अंतर्गत जो पीएम श्री योजना जो चलाई जाती है उसके अंतर्गत 76.22 करोड़। वहीं अगर बात करें हम गौ सदन निर्माण के लिए तो 82 करोड़ उसके लिए रखे उसके लिए रखे गए हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 36.18 करोड़, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के लिए 27.58 करोड़, UGVNL में निवेश के लिए 26 करोड़, UPCL परियोजनाओं में निवेश के लिए 26 करोड़, ठीक है। राज्य संपत्ति द्वारा आवासीय अनावासीय भवन निर्माण हेतु 25 करोड़, पुलिसकर्मियों के लिए आवास है तो 25 करोड़, नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत अनावासीय जो कॉलेज हैं उसके लिए 25 करोड़, सहकारी सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को PPP हेतु VGF के अंतर्गत 25 करोड़, सिंचाई विभाग में अन्य रखरखाव की मदद के अंतर्गत 25 करोड़, वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए 25 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 20 करोड़, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल 12 की कृषि योजना के लिए 20 करोड़, डेयरी विकास परियोजनाओं की रिवॉल्विंग फंड हेतु जो है वो भी 15 करोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रांड बनाने के लिए 10 करोड़, पर्वतीय मार्गों में परिवहन द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप अगर कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है हानि होती है तो उसके लिए 15 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी जो भी श्रेणियां हैं उनकी यात्रियों की निःशुल्क यात्रा जो करनी होती है उसके लिए 12 करोड़, प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई संपर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अंतर्गत 10 करोड़, साइलेज एवं दुधारू पशु योजना 10 करोड़, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बल बहुमुखी विकास निधि 8 करोड़, सेतु आयोग के लिए नीति आयोग के तर्ज पर जो उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया गया है उसके लिए 7.80 करोड़, काशीपुर में शॉपिंग मॉल की काशी निर्माण के लिए 5.75 करोड़, मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अंतर्गत 5 करोड़, वहीं अगर बात करें विद्या समीक्षा केंद्र हेतु 5 करोड़, राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु 5 करोड़, पीएमई बस सेवा स्कीम के अंतर्गत देहरादून हरिद्वार में जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन है उसके लिए 5 करोड़ दिया गया है। आइस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बार यानी कि वन टाइम जो है जो यहाँ पे दिया गया वन टाइम जो अनुदान दिया गया है वह 5 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना 6 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 2 करोड़, इंपॉर्टेंट है दोनों के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एक्सपो के अंतर्गत जो आयोजन जो 2 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना इंपॉर्टेंट है 1.44 करोड़। नेक्स्ट आपके पास जाएगा यहाँ पे इसके द्वारा यानी कि अभी जो उत्तराखंड का जो यहाँ पे कैबिनेट का आयोजन किया गया भराड़ीसैंण में तो वहाँ पे कुछ विधेयक जो है कुल मिलाकर 8 विधेयक वहाँ पे पेश किए गए हैं, जिसमें पहला है आपके पास कि उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का जो संशोधन रूप लाया गया है तो उत्तराखंड संशोधन विधेयक हम इसको कह सकते हैं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संशोधन 2024, ठीक है। तो उसको 1916 को अभी यहाँ पे संशोधित किया गया है जहाँ पे जैसे डोईवाला हो गया या अन्य भी क्या है नगर पालिकाओं का किसी का उच्चीकरण किया गया किसी नगर पर नई नगर पालिकाएं बनेंगी इसके अंतर्गत किया गया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम उत्तर प्रदेश 1959 जो है वो संशोधन विधेयक 2024 लाया गया जिसके तहत जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अगर कोई लोक या निजी संपत्ति की वसूली किसी कारणवश कोई करता है तो उसके अकॉर्डिंग या उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये विधेयक यहाँ पे लाया गया है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम विधेयक लाया गया है। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय 2024 उत्तराखंड कामगार एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक 2024 विनियोग विधेयक 2024 ये जो विधेयक जो है वो अभी हाल ही में 2024-25 का जो बजट जो है वो पेश किया गया है उत्तराखंड विधानसभा में उसमें ये जो विधेयक है वो पेश किए गए हैं। विधेयक जो होता है यानी कि जब सबसे शुरू में जो प्रस्ताव पेश किया जाता है विधेयक हो जाता है और जब उसका पूरा फाइनली राष्ट्रपति या राज्यपाल की जब मंजूरी मिलने के बाद जब वो कानून बनता है तो उसे हम अधिनियम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस किया है, आप नोट्स बना सकते हैं इनको अब याद करने की कोशिश करिए क्योंकि यहाँ से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन
चाहे वो करंट अफेयर से रिलेट करके देगा, चाहे वो इकोनॉमी सेक्शन से रिलेट करके देगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बनने वाला है। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।